गाइज वंस अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं फिर से गांव पे, क्योंकि ऐसे कल का तो प्लान था गांव पे जाने का, लेकिन फिर आज का भी प्लान हो गया गांव पे जाने का, क्योंकि कल का काम हो गया फिर आज का काम बाकी है। तो रोज़ कुछ ना कुछ काम होता ही है, तो आज फिर जाना होगा गाँव पर। तो आज देखते हैं, आज चलते हैं फिर गाँव पर और जो जो काम है सब निपटा के फिर आते हैं गाँव से। फिर हम रेडी हो गए हैं और तुरंत ऐसे हेलमेट लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे चलते हैं गाँव पर। हे गाइस, तो अभी हम घर से निकल गए हैं और अभी असम पियनिया आ गए हैं और कुछ देर में ऐसे आधे घंटे में नारायणपुर चले जाएंगे। लेकिन बीच रास्ते में ऐसे थोड़ा सा ऐसे गाड़ी आवाज़ कर रहा है, तो चेक करते हैं गाड़ी में क्या हुआ है। लेकिन अब ऐसे चेक भी कर लिए हैं क्या हो रहा है, फिर इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, तो अपने गांव पे नारायणपुर। तू मेरे वाल तक दी रवे ना, मेरी तेरे तो नजर हट दी, मैं दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधे। हे गाइस, तो भी हम गांव से रेडी हो गए, अब जा रहे हैं हम यहाँ से अज्ञाव जाएंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ से कुछ मम्मी के से कागज़ लेंगे और फिर वहाँ से फिर जाएंगे आरा आदित्य विजन, वहाँ से कूलर चेंज करेंगे, फिर घर पे कूलर लेके आएंगे। आज का प्लान नहीं है, फिर शाम को हो सकता है तो स्केटिंग करने हम जा सकते हैं या नहीं, अभी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा आज अजीब कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अज्ञाव। तो ऐसे हम अज्ञाव ब्लॉक आ गए हैं और यहाँ पे ऐसे अंचल अधिकारी आ जाए हैं और चलते हैं ऑफिस में। तो हे गाइस, मम्मी का ऑफिस है, ठीक है। हम लोग रजिस्टर टाइप कर लेना था बच्चों को, उपस्थित अनुपस्थित रजिस्टर में बहुत सारे ऐसे रजिस्टर थे, जो 17 रजिस्टर थे, तो पूरा लेकर हम चलते हैं यहाँ से। रजिस्टर लेने का मतलब चलते हैं यहाँ से कहाँ आरा, और पूरा बैग भर गया चलते हैं आरा फिर। हे गाइस, तो अभी हम ब्लॉक से सामान लेकर मम्मी के ऐसे जितना भी रजिस्टर लेकर चल दिए हम आरा। तो अभी आरा जाएंगे तो अधिकतर भी चलते हैं पहले, उसके बाद घर चलेंगे। हे गाइस, अभी हम अज्ञाव से पौना गए, मौसम इतना सुहावना है ना, क्या ही कहना। और ऐसे ये पौना का जो थोड़ा सा पीछे वाला रूट है बहुत तेड़ है, डायरेक्ट आदित्य विजन। और अभी जा रहे हैं हम अंदर। तो फिर कूलर का प्लान हो रहा था कोई और लेने का, तो भैया सोच रहे एक नया डिज़ाइन में एक अच्छा कूलर आया है तो वही लेंगे हम लोग, और कल या परसों आकर लेंगे। तो फिर आदित्य भी से चलते हैं हम घर पे, फिर घर से जाना होगा। तो ऐसे हम आ गए गांव से आ रहा है और अभी घर पे आ गए हैं, और कुछ खाने के लिए कुछ खाना खा के फिर चलते हैं स्केटिंग करने। तो हम बाहर से ही समोसे और रसगुल्ले लेकर आ गए थे, सोचा यही खा लेंगे फिर खा के चलेंगे स्केटिंग करने। तो खाना खाने के बाद 10 मिनट रेस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे ब्रदर कॉल किए थे क्या चलते हैं स्केटिंग खरीदे, कोई वो स्केटिंग कहीं मतलब खरीदेंगे नहीं, एक ऐसा पुराना उनका स्केट है तो दिए हैं किसी को वेल्डिंग करने के लिए। तो जाएंगे अभी हम लोग वही लेकर आने, तो थोड़ा देर रेस्ट कर रहते हैं, उसके बाद फिर ब्रदर के साथ जाएंगे स्केटिंग लाने। स्केटिंग गाइस, तो ऐसा ब्रदर 10 मिनट भी वेट करने नहीं देंगे हमको, अभी तो सो ही नहीं, तो बस कॉल कर दिए कि हाँ हम आ गए हैं स्टेशन, आप जल्दी आ जाओ स्केटिंग स्टेशन। तो फिर अब हम जल्दी ऐसे स्केटिंग स्टेशन एक ही, तो अब जल्दी हम स्टेशन। गाइस, तो हम ब्रदर सभी मिल गए हैं और हम लोग स्टेशन पर मिले हैं, और हम लोग अभी आ गए हैं जस्ट स्टेशन के थोड़ा सा सामने, जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर, वहीं पे हम लोग स्केट लगा तो हम दोनों स्केट्स लगा लिए। अब हम लोग यहाँ से कहाँ जाने हैं ब्रदर बताएंगे। अब हम यहाँ से सदर अस्पताल जाएंगे, और वहाँ पे मैंने स्केट दिया है एक एक्स्ट्रा, जो कि अल्मोनियम वेल्डिंग वहीं पर होता है आरा में, और कहीं नहीं होता है, उसे टीक वेल्डिंग बोलते हैं, गैस टंगस्टन वेल्डिंग बोलते हैं, GTI। तो फिर हम लोग जा रहे हैं वहाँ से ऐसे स्केट लेंगे, फिर थोड़ा सा आरा में कहीं कहीं घूम लेते हैं। फिर आज ऐसे 4 दिन से बारिश हो रहा है, तो बहुत दिन बाद ऐसे हम लोग निकले घर से, तो कहीं ना कहीं और घूमेंगे। तो फिर चलते हैं। ये बताओ कैसा लग रहा है पूरा, मैंने बाल ये अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट में बताना कि बाल ब्रदर का कैसे। हम लोग आ रहा है स्केट करना स्टार्ट कर दिया, ब्रदर स्केट कर रहे हैं, हम पीछे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम स्केट करना स्टार्ट कर दिए हैं, हमारे साथ ब्रदर बहुत दिन बाद गर्दा मचा के रखे हैं आरा में, ला के रखे हैं। तो फिर हम और ब्रदर आ गए गैस वेल्डिंग के पास, यहीं पे हम लोगों को वेल्डिंग कराना है। तो ऐसे वेल्डिंग के काम स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि ऐसे लाइन कट गया था। तो ऐसा धीरे धीरे करके अंकल बहुत अच्छा किया, इनके पास वेल्डिंग होता है ना बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा किया। और फिर वेल्डिंग हो गया, अब चलते हैं। पूरा मौसम ऐसे बारिश हो गया, ऐसे बारिश आने वाला भी है, बारिश ऐसे एक एक बूंद पड़ भी रहा है, देख लो निकलते हैं सर अपना मैदान वहीं पर छूट कर। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, मौसम कितना बढ़िया हो गया, एकदम मस्त तंदुरुस्त स्केट करने वाला। सबसे होके बेफिक्र ना
है गाइस, तो ऐसे हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो हम लोग पकड़ी है ऐसे होटल ओरिएंट ब्लू के पास, जो इस पर बैंक है, वहीं पे हम लोग ऐसे रुके हुए हैं। हम दोनों वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज आ रहे थे, मुझे थोड़ा पसीना हो गया है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, बारिश थोड़ा छूटती है, जैसे छूटे तो हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। है बड़ी, तो ऐसे हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तब पर भी हम लोग ऐसे स्केटिंग कर रहे हैं क्योंकि घर जाना है, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, बारिश बहुत देर तक होगा, इसलिए हम लोग निकल गए यहाँ से। बड़ी ऐसे बारिश थोड़ा तेज़ होने लगा, तो हम लोग सोचे कि रुक ही जाते, तो हम एक दुकान पे रुक गए और एक ब्रदर मेडिकल शॉप पे जाकर रुक गए कि ऐसा बहुत दिक्कत हो रहा था चलने में, लेकिन हम लोग थोड़ा बारिश में चलेंगे। और ऐसे बारिश हो रहा है, बारिश में हम लोग कर रहे हैं स्केटिंग। भाई मैं अपना आज का एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर जिसके पास MF 900 है ना, वो पानी में भी स्केटिंग कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मज़ा आ रहा था, एकदम अच्छा चल, एकदम स्मूथ चल रहा था भाई स्केट। हे बड़ी, तो ऐसे हम लोग स्केटिंग करते करते चले, तो देख मेरा दोस्त मिल गया रास्ते में, तो ऐसे कुछ देर दोस्त से अपने बात किए, फिर उसके बाद यहाँ से स्केटिंग करके चले। तो ऐसे हम लोग स्केटिंग करके आ रहे हैं रमना मैदान से इधर, बट पानी हो गया इसलिए थोड़ा सा मज़ा किरकिरा हो गया, ना तो बहुत मस्त स्केट कर रहे थे हम लोग। तो हम थोड़ा सा ऐसे ऑटो में बैठ के जा रहे थे स्टेशन के, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था और पानी लग गया था, तो हम और ब्रदर जाके ऐसे एक रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट ले गए। तो ऐसे बारिश आ गया, हम लोग आरा जंक्शन पर ऐसे स्केटिंग कर रहे थे, लेकिन इंस्टेंट बारिश होने के कारण मज़ा किरकिरा हो गया। देखा तो ऐसा सीढ़ी पर से ब्रदर उतर रहे हैं और एक नंबर से दो नंबर साइड जा रहे हैं, हल्का हल्का जाइए ब्रदर, लोग एक्सीलेटर पर चढ़ के जा रहे हैं ऐसे दो नंबर प्लेटफॉर्म से फोर नंबर प्लेटफॉर्म पर। ठेगा तो ऐसे हम लोग स्टेशन के पास रुक गए हैं और वहीं पर ऐसे स्केट बदल गए, और क्योंकि बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग जा रहा था ब्रदर, पता है कितना भीड़ लग रहा था, पूरे लोग बहुत भीड़ लग रहा था, हद से ज़्यादा भीड़ लग रहा था, इतना लोग देख रहे थे, क्या ही कहना, छोटी मैया देख रही है ऐसे एकदम ध्यान से देख रही है, इसका आँख नहीं हट रहा है। ठीक है, जैसे बारिश के चलते हम स्केटिंग निकाल दिया भाई आरा जंक्शन पे, इतना आज भीड़ हुआ ना, कम से कम 200 लोग खड़े हो गए देखने के लिए, ऐसे पुलिस वाले स्केट भी गंदा हो गया। हाँ, और पुलिस वाले आ गए पूरा, कि मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब अजीब लग रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से स्केट करें। लेकिन हाँ, ये बात है कि हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म टिकट गए सर, तो ऐसे हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, ऐसे ब्रदर को और हम दोनों प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए, तो पुलिस भी आया। हाँ, मैं भी लेता इसलिए कि क्योंकि ऐसे अगर आप स्केट आरा जंक्शन पूरा कर रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे सेफ्टी जरूरी है, जंक्शन है ना, स्टेशन हाँ, नहीं है, बात ये है, जंक्शन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है और स्टेशन क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे स्केट ले लिए, सॉरी टिकट ले लिए, और उसके बाद स्केटिंग कर रहे थे, बहुत मज़ा आया आज। और सर जो ब्रदर को छोड़ कर आते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने घर, और ब्रदर जाएंगे अपने घर, ब्रदर को छोड़ के अब हम जा रहे हैं अपने घर पे, और ब्रदर गए अपने घर पे। लेकिन भाई आज आरा का जो सीन हुआ ना, क्या ही कहना, इतना लोग देखने लगे, मतलब हम वीडियो नहीं बना के, क्योंकि ऐसा सीढ़ी से उतर रहे थे, अगर ऐसा होता तो हम वीडियो बना लेते, जब लोग देख रहे थे भाई क्या ही कहना।